न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2021 का तीसरा ओडीआई मुकाबला जो कि खेला जाना है दोस्तों फ्राइडे 26 मार्च इंडिया टाइम अनुसार 3:30 AM से, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग में आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा बासिन रिजर्व वेलिंगटन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट। दोस्तों जब कोई मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां का पिच। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही बात करने वाले कि यहाँ के मैदान पे कितना रन बनता है, कौन सा स्कोर डिफेंड होता है, कौन सा स्कोर चेंज होता है, पिच का कंडीशन क्या है, पिच का बिहेवियर क्या है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए बनाएंगे फैंटेसी क्रिकेट यानी कि ड्रीम इलेवन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट टीम। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, दोस्तों सोच क्या रहे हो, जल्दी जल्दी कर लीजिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों साथ में आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर सभी मैचों की टॉस के बाद फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम इलेवन की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम बना के देता हूं। इसके अलावा दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैचों की मैच एंड टॉस प्रेडिक्शन मिल जाती है। दोस्तों मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं अफसा प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे बासिन रिजर्व वेलिंगटन में जो अभी तक ओडीआई के मुकाबले खेले गए उन मुकाबलों में पिच का रिकॉर्ड क्या रहा है। बासिन रिजर्व वेलिंगटन में अभी तक ओडीआई के 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं, बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 213 रन, वही दोस्तों हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 297 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 74 रन ऑल आउट जो कि न्यूजीलैंड के नाम पर है। दोस्तों इस मैदान पर अभी तक फर्स्ट इनिंग में 200 के नीचे 9 बार स्कोर बन चुका है, 200 से 249 के बीच में 10 बार स्कोर बन चुका है, 250 से 299 के बीच में 7 बार स्कोर बन चुका है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करें 300 या इससे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में अभी तक एक भी बार स्कोर नहीं बना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो मुकाबला जो मैच होने वाला है वो लो स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की पिच कंडीशन की बात करूं तो यहाँ का जो विकेट है वो फास्ट बॉलर को हेल्प करता है, फास्ट बॉलिंग अनुकूल है यहाँ का विकेट। टॉस जीतने वाली टीम आपको यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती नजर आ सकती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बाउंड्री साइज की बात करूं तो काफी ज्यादा लॉन्ग है, मतलब आपको चौके छक्के काफी कम देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर मैं इस मैदान पर चेज की बात करूं, अगर दोस्तों 5 रन से नीचे स्कोर बनता है तो 10 में से 8 बार चेज हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहां पे डिफेंड की बात करें तो अगर 235 प्लस स्कोर होता है तो 10 में से 8 बार डिफेंड हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर मैं इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल चेज की बात करूं तो 253 रन है जिसे न्यूजीलैंड ने किया था पाकिस्तान के सामने। दोस्तों अगर मैं इस मैदान पर लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करूं तो 201 रन है जिसे वेस्ट इंडीज ने किया था न्यूजीलैंड के सामने। अगर दोस्तों हम यहां पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 26 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 11 मुकाबला जीता है, 12 मुकाबला हारा है, 3 मुकाबला 9 रिजल्ट है। दोस्तों अगर हम यहां पे बांग्लादेश की बात करें तो इस मैदान पर पहली बार ओडीआई मुकाबला खेलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की बात करते हैं, दोनों टीमें ओडीआई में पहली बार आमने सामने होंगी। तो दोस्तों ये होने वाली है थर्ड ओडीआई की पिच रिपोर्ट। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहां पे फैंटेसी क्रिकेट की तरफ और देखते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज की फैंटेसी क्रिकेट के लिए अपने लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाले। दोस्तों उससे पहले हम ये देखते हैं दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो लास्ट 10 मैचों से अपनी टीम के लिए ओडीआई में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करते हैं, टॉम लेथन 4 मैच में 180 रन बना चुके हैं, इनके अलावा मार्टिन गुप्टिल 4 मैच में 164 रन। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करते हैं, तामीम इकबाल 6 मैच में 377 रन और लिट्टन दास 6 मैच में 231 रन। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे गेंदबाजों की बात करते हैं, मिशेल सेठना 4 मैच में 6 विकेट और ट्रेंट बोल्ट 3 मैच में 5 विकेट। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करूं तो मुस्तफिजुर रहमान 6 मैच में 9 विकेट और मेहंदी हसन मिराज 6 मैच में 7 विकेट। तो दोस्तों ये दोनों टीमों के वो प्लेयर हैं जो अपनी टीम के लिए काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोस्तों अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए काफी जबरदस्त होने वाले हैं। दोस्तों चलो हम बनाते हैं फैंटेसी क्रिकेट की टीम। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, हमें ये देखनी होती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मुकाबले के लिए, जिससे हम फैंटेसी क्रिकेट की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम बना सकें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड को देखते हैं इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है थर्ड ओडीआई मुकाबले के लिए। मार्टिन गुप्टिल, हेनरी
निकोल्स, डिवेन कनवो, बिली यंग, टॉम लेथम, जेम्स निसाम, डैरल मिशेल, मिशेल सेटनर, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट। तो दोस्तों ये थी न्यूजीलैंड की लास्ट ओडीआई की प्लेइंग 11। दोस्तों अगर मैं इस मुकाबले में चेंजेस की बात करूं तो न्यूजीलैंड के खेमे में एक चेंज हो सकता है। बिली यंग की जगह पे मार्क चैपमैन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी की जो इनकी प्लेइंग 11 से बिल्कुल सेम रहने वाली, क्योंकि दोस्तों जो इनकी परफॉर्मेंस वो काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस है। चाहे दोस्तों मैं इनकी बल्लेबाजी की बात करूँ या दोस्तों मैं इनकी गेंदबाजी की बात करूँ। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टीम बांग्लादेश की, देखते हैं इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के इस मुकाबले में। तामीम इकबाल, लिट्टन दास, सौम्य सरकार, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, महमदुल्ला, मेहंदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, तास्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश की लास्ट ओडीआई की प्लेइंग 11। दोस्तों अगर मैं इस मुकाबले में चेंजेस की बात करूं तो बांग्लादेश के खेमे में एक चेंज हो सकता है। सौम्य सरकार की जगह पर मोहम्मद नईम आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे सौम्य सरकार की बात करें तो लगातार दोनों मैच में फ्लॉप है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले ओडीआई को तो छोड़ के दूसरे ओडीआई में उन्होंने टक्कर दी न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीम को उनके घर में। दोस्तों हमारे पास दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुकी है। चलो दोस्तों हम बना लेते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम। दोस्तों हम यहाँ पे विकेट कीपर की ऑप्शन की बात करें तो मुशफिकुर रहीम और टॉम लेथन ये दोनों अपने लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाले हैं तीसरे ओडीआई के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से लेने होते हैं बैट्समैन। दोस्तों हम यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल, तामीम इकबाल और ड्वेन कनवो ये तीनों बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाले हैं ड्रीम 11 टीम के लिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऑलराउंडर लेने होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे ऑलराउंडर्स की बात करें तो जेम्स निसाम, मोहम्मद सैफुद्दीन और मिशेल सेटनर ये तीनों बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से बॉलर्स लेने होते हैं। अगर यहाँ पे गेंदबाजों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, मुस्तफिजुर रहमान और मेहंदी हसन मिराज ये तीनों अपने लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पे कैप्टन की बात करें तो आप यहाँ पर तामीम इकबाल को कैप्टन कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात करें तो आप यहाँ पर टॉम लेथन या फिर दोस्तों मार्टिन गुप्टिल को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैचों की टॉस के बाद ड्रीम 11 की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैचों की मैच एंड टॉस प्रेडिक्शन मिल जाती है। दोस्तों मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं अफसर प्रेडिक्शन हाउस। दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है ड्रीम 11 की सभी एनालिसिस करने के बाद बनाई है। होता क्या दोस्तों, अगर वो सारी एनालिसिस में वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप हो जाओगे बोर, मैं जाऊंगा थक। इसलिए दोस्तों सारी एनालिसिस मैंने पहले ही कर ली है, बस आपको फैंटेसी क्रिकेट की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम बनाकर दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिछली पोर्ट एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।